भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि की दिव्य और रहस्यमयी ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय निहतः प्रणता स्मताम सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यो सुतान्वितः मनुष्यो मत देन भविष्यति न संशयः। बोलिए जगदम्बे माते की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। वैसे तो पूरे वर्ष में चार नवरात्रि आती है, दो गुप्त नवरात्रि होती है तथा दो प्रगट नवरात्रि होती है। सबसे पहली जो प्रगट नवरात्रि होती है, जिसे चैत्री नवरात्र के नाम से जाना जाता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक जो नवरात्रि होती है, उसे प्रगट नवरात्र या चैत्री नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि होती है, उसे आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो नवरात्रि आती है, उसे कुवार यानी आश्विन माह की नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जो कि आश्विन माह यानी कुवार माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है, वो प्रगट नवरात्रि होती है। और इसके बाद गुप्त नवरात्रि आती है, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। और इसी गुप्त नवरात्रि में अबूज मुहूर्त बसंत पंचमी का महापर्व आता है। इस बार गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 10 फरवरी 2024 से लेकर के 18 फरवरी 2024 तक रहेगा। 17 फरवरी 2024 शनिवार के दिन दुर्गा अष्टमी रहेगी, वहीं 18 फरवरी 2024 के दिन महानंदा नवमी रहेगी और इसी दिन गुप्त नवरात्र का समापन होगा तथा वसंत पंचमी यानी बसंत पंचमी महापर्व, जो कि अबूज मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इस बार बसंत पंचमी का महापर्व 14 फरवरी 2024 के दिन ही रहेगा। नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं, वो अपने आप में सिद्धदायक दिन माने गए हैं। यह अबूज दिवस के रूप में माने जाते हैं, यानी बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम यदि आप करना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। नवरात्र को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। जब साधक देवी दुर्गा की पूजा तथा आराधना करते हैं, नवरात्र का शाब्दिक अर्थ है देवी को समर्पित 9 पवित्र रात्रे। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध है और अन्य 2 गुप्त नवरात्रि है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह के दौरान ही आती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा, जो कि 10 फरवरी 2024 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस गुप्त नवरात्रि का समापन 18 फरवरी 2024 को होगा। इस नवरात्रि का प्रथम दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाएगा। तंत्र साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए, विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि को विशेष माना गया है और एक प्रकार से तांत्रिकों के लिए यह स्वर्णिम अवसर माना जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा और 11 फरवरी 2024 को प्रातः 12:47 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी
इसलिए घट स्थापना का, कलश स्थापना का जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा, सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा, वो 10 फरवरी 2024 की सुबह 8:45 से लेकर के सुबह 10:10 तक रहेगा। इस दिन कलश स्थापना अभिज मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं, यानी प्रत्येक दिन दोपहर में जो अभिजीत मुहूर्त रहता है, 10 फरवरी को दोपहर 11:30 से अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि दोपहर 12:58 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो 10 फरवरी को सुबह 8:45 से लेकर के 10:10 तक मीन लग्न में भी घट स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थी, इसलिए माघ माह के शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति दुर्गा के अलावा 10 महाविद्याओं की यदि आपने दीक्षा प्राप्त की है तो आप उनकी पूजा अर्चना या मंत्र जाप कर सकते हैं। और इस दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का भी पाठ करने से जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और जीवन में शांति प्राप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपको प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि एक बड़ा धार्मिक महापर्व है। यह 9 दिनों तक पूरी तरह से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। और जब गुप्त नवरात्रि आती है, जब देवी जगदम्बा, भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के त्रिगुणात्मक स्वरूप में देवी जगदम्बा पृथ्वी पर आती है और जब भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से उनकी पूजा तथा आराधना करते हैं तो इसका उनको फल भी जल्दी प्राप्त होता है। तंत्र विद्या यदि कोई करते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं, तो इस दौरान सभी 9 दिनों तक तांत्रिक साधना के माध्यम से भी देवी दुर्गा को प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। सभी साधकों और तांत्रिकों के लिए विभिन्न पूजा अनुष्ठान जैसे हवन, तांत्रिक मंत्र का जाप, शाबर मंत्र का जाप, ध्यान, हठ योग और सख्त उपवास करके सिद्धि प्राप्त करने का एक सही समय है। गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान सुबह सूर्योदय के पहले उठकर के स्नान ध्यान करके और अपनी नित्य की पूजा अर्चना करके आपको देवी जगदम्बा की पूजा लाल फूल, लाल वस्त्र और लाल फल के माध्यम से करना चाहिए। यदि आप घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप देवी दुर्गा के चित्र या मूर्ति की प्रतिदिन पूजा करके अपनी मनोकामना उनके सामने अवश्य रखें। प्रतिदिन पूजा करने के बाद 17 फरवरी यानी दुर्गा अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाएं। यदि स्वयं नहीं करवा पाते हैं तो किसी भी मंदिर में, धार्मिक स्थल पर भी आप कन्या भोजन करवा सकते हैं, या आप फिर हमारे माध्यम से कन्या भोजन, कन्या पूजन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। हम आपके नाम और गोत्र से हमारे देवी मंदिर में भी कन्या पूजन या कन्या भोजन का आयोजन आपके लिए अवश्य कर सकेंगे। साथ ही गुप्त नवरात्रि में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक तरीके से देवी जगदम्बा भगवती की आराधना तथा पूजा करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, जैसे पढ़ाई में रुकावट प्राप्त हो रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान प्राप्ति का अभी तक अवसर आपको नहीं मिल पाया है, कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, रोग बहुत आपको परेशान कर रहे हैं, परिवार में कलह है, तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, या कोई भी जीवन में समस्या है, तो आपको गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन मां जगदम्बा को 1 लाल फूल चढ़ा करके, सिंदूर चढ़ा करके और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आप निश्चित मानिएगा कि 9 दिनों तक यदि आपने लगातार सुबह अथवा शाम के समय देवी जगदम्बा को 1 लाल फूल और सिंदूर चढ़ा दिया
तो 9 दिनों के बाद आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और भगवती जगदम्बा की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। गुप्त नवरात्रि में आपको यदि संभव हो तो व्रत रखना चाहिए। एक समय व्रत रखे शाम के समय भोजन कर सकते हैं, दिन में आप फलाहार कर लेवे। ध्यान रखे इसमें लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल न करे तथा गुप्त नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई रखे, स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखे। अपने घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल न करे तथा गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और कोई भी गलत कर्म या अनैतिक कर्म आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा या भक्ति के अनुसार उसको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन देवी जगदम्बा के सामने यदि आप एक शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक जला देंगे तो भी आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अब हम आपको गुप्त नवरात्रि की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है जब श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे, इसी दौरान भीड़ में से एक महिला हाथ जोड़ करके श्रृंगी ऋषि के सामने उपस्थित हो गई और अपनी समस्या बताने लगी। उस स्त्री ने कहा कि उसका पति बहुत बुरे बुरे कार्य करता है, मदिरा पान करता है, वैश्या गमन करता है, चोरी करता है, डकैती करता है और नाना प्रकार के दुर्व्यसनों से वह घिरा हुआ है। मुझे कभी भी वह पूजा पाठ नहीं करने देता है, इसलिए वह किसी भी प्रकार का व्रत नहीं कर पाती हूं, धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाती हूं। उस स्त्री ने कहा कि वह मां दुर्गा की शरण में जाना चाहती है लेकिन उसके पति पापाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, इस कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर के श्रृंगी ऋषि ने बताया कि शारदी और चैत्री नवरात्रि में तो हर कोई मां दुर्गा की पूजा तथा आराधना करता है और इन दोनों नवरात्रियों से सभी भली भांति परिचित है, लेकिन इसके अलावा और भी 2 नवरात्र आते हैं। ऋषि ने बताया कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, इनमें 9 देवियों के बजाय 10 महाविद्याओं की भी उपासना की जाती है। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आप यदि अपने जीवन की सारी समस्याओं का अंत करना चाहती हो तो आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी जगदम्बा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा सुनकर के उस स्त्री ने गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप से ऋषि के अनुसार मां दुर्गा की कठोर साधना की। मां दुर्गा इस श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुई और इसका असर यह हुआ कि कुमार्ग पर चलने वाला उसका पति सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ, साथ ही स्त्री का घर भी खुशियों से भर गया। शारदी और चैत्री नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लेकर के प्रतिदिन सुबह शाम मां दुर्गा की पूजा तथा आरती करना चाहिए, साथ ही अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन एवं कन्याओं का भोजन करवाना चाहिए। तंत्र साधना करने वाले इस दौरान माता के 10 स्वरूपों की यानी 10 महाविद्याओं की आराधना तथा साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान 9 दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि के रूप में माना गया है। 10 महाविद्याएं जो बताई गई है उनमें सबसे पहली जो महाविद्या है वो मां काली है, दूसरी मां तारा है, तीसरी मां त्रिपुर सुंदरी है, चौथी मां भुवनेश्वरी है और उसके बाद मां छिन्नमस्ता आती है, उसके बाद मां त्रिपुर भैरवी आती है, उसके बाद मां धूमावती आती है, उसके बाद माता बगला मुखी आती है, फिर माता मातंगी आती है और उसके बाद माता कमला देवी आती है। इस प्रकार तंत्र साधना जो करते हैं उनको 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है या 10 महाविद्याओं की दीक्षा प्राप्त की है या 10 महाविद्याओं से आप दीक्षित है
तो आपको 10 महाविद्याओं की पूजा तथा आराधना करनी चाहिए। बोलिए जगदम्बे मात की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए जगदम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप गुप्त नवरात्रि के निमित्त हमारे माध्यम से पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन की कोई भी समस्या है उसके समाधान हेतु विशेष पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, नौकरी व्यापार रोजगार विवाह संतान प्राप्ति भवन भूमि या वाहन की प्राप्ति हेतु कोई भी पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे तथा नगद धनराशि हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके गुप्त नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।